अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शॉर्ट हैंड वेब यूट्यूब चैनल। शॉर्ट हैंड के इस कंप्लीट कोर्स के आज की इस लेक्चर में हम पांच चीजों को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड के स्कोप के बारे में, शॉर्ट हैंड के सैलरीज के बारे में, शॉर्ट हैंड के टेस्ट के बारे में, और साथ ही साथ में आपको बुक के बारे में बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल फ्री में बगैर इन्वेस्टमेंट की हुई, कई पी ट्यूशन की हुई, आप फ्री में घर बैठ के आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल पर आप शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और सेम कोर्स को आपने फॉलो करते जाना है। तो शॉर्ट हैंड में जितनी भी चीजें है वो सारी यहाँ पे आपको मिलेगा, कोई भी चीज यहाँ पे स्केपेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुक से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको अगर ये कोर्स फॉलो करते जाना है मेरी वीडियो से, अगर आपने इसको सीखनी है तो आपको ये सेम बुक बाय करना पड़ेगा। ये प्राण पेज है इस बुक का, और पैटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स एंड कीस के नाम से ये बुक है, ठीक है, ये उसका प्राण पेज है। साथ साथ में आपको इसके कंटेंट्स के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसी बुक के कंटेंट्स है, और इसी कंटेंट्स को फॉलो करती हुई, इसी कंटेंट्स को देखती हुई आपने ये बुक बाय कर देना है। और कोई मसला नहीं है, अगर ये बुक आपको बाजार से आसानी से नहीं मिल रहा तो इसी बुक का एक सेम पीडीएफ फाइल मिल रहे, उसी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसी सेम बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बुक पे आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट हैंड के इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे चैप्टर नंबर वन, पार्ट नंबर वन, द फर्स्ट सिक्स कंसोनेंट से हम स्टार्ट करेंगे। सिक्स कंसोनेंट में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पी बी टी डी चे एंड जे, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन से यहां से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट हैंड का ओनर है सर इसाक पैटमैन। सर इसाक पैटमैन के नाम से ये बुक पूरी दुनिया में पैटमैन शॉर्ट हैंड के नाम से जाना जाता है। तो ओनर का नाम है सर इसाक पैटमैन, बुक का नाम है पैटमैन शॉर्ट हैंड। दो चीजें आपने याद रखनी है, शॉर्ट हैंड है क्या, शॉर्ट हैंड इज द स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। शॉर्ट हैंड इंग्लिश जुबान का एक स्किल है, ये एक स्किल है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात, शॉर्ट हैंड बेस्ड ऑन साउंड, कि शॉर्ट हैंड साउंड पर बेस करती है। कोई भी बंदा आपको डिक्टेशन देगा, आपको कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करेगा, कुछ भी कहेगा, तो उसको आपने शॉर्ट हैंड के आउटलाइन में लिखना है। तो शॉर्ट हैंड साउंड पर बेस करती है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। शॉर्ट हैंड टेस्ट, शॉर्ट हैंड के टेस्ट कौन कौन सी चीजों में लिया जाता है। नंबर वन, टाइपिंग, आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्लस शॉर्ट हैंड एंड प्लस एमएस ऑफिस में आपका महारत होना चाहिए। अगर आपने 14 स्किल जॉब हासिल करना है तो उसमें आपका कम से कम इंग्लिश टाइपिंग 35 से लेकर 40 तक स्पीड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड में आपका 50 या 80 स्पीड होना चाहिए, और एमएस ऑफिस में महारत होना चाहिए। अगर आपने 16 ग्रेड का जॉब हासिल करना है तो उसके लिए भी सेम 40 स्पीड या 45 स्पीड टाइपिंग में दरकार है, और 80 से लेकर 100 तक का जो है ना शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आपका स्पीड होना चाहिए, और साथ साथ एमएस ऑफिस में महारत। तकरीबन 70% डिपार्टमेंट में शॉर्ट हैंड का जो एमसीक्यूज टेस्ट है, जो पेपर टेस्ट है, वो नहीं लिया जाता। तकरीबन 30% डिपार्टमेंट में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो एमसीक्यूज टेस्ट होता है, वो लिया जाता है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्कोप। तो स्कोप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो कम से कम आप 14 स्किल यानी आप स्टेनोटाइप पेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद 16 स्किल स्टेनोग्राफर या एज अ स्टेनो आप जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप 14 स्किल लेते हैं या 16 स्किल पे आप जॉब करते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं। 14 स्किल से लेकर 19 ग्रेड तक आप आसानी से इसमें प्रमोशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी जो है ना हर डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। बास डिपार्टमेंट में सैलरी कम होता है, बास पे ज्यादा, क्योंकि वहां के वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आप जुडिशियरी किसी अदालत में आप काम करते हैं, वहां पे आपका जॉब लगता है, तो कम से कम वहां पे जो सैलरी होता है वो 45,000 प्लस होता है। 45,000 प्लस पाकिस्तान में होता है। हर डिपार्टमेंट का जो है अलग अलग सैलरी होता है। नेक्स्ट इसके वर्क के बारे में आपको बताता चलूं। सो वर्क के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वर्क एज अ टाइपिस्ट या स्टीनो, अगर आप 14 स्केल पे लगते हैं तो आप एज अ टाइपिस्ट काम करोगे, मतलब आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से, आप एम एस ऑफिस से कोई भी काम कर सकोगे। और अगर आप 16 स्केल से आते हैं तो एज अ स्टीनो काम करना पड़ेगा आपको, या एज अ स्टेनोग्राफर, जहां पे आपको जज या कोई भी कहीं पर भी आपको कोई भी बंदा डिक्टेशन देगा उसको आपने शॉर्ट हैंड में लिखना होता है। अब नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड।
कि शॉर्ट हैंड को कैसे सीखे। ये चीज आपने जहन में रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में टोटल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें 5 वावल्स है, तो टोटल 26 लेटर्स है इंग्लिश में। इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वावल्स है और 4 दीप्तांग है। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, 12 कॉन्सोनेंट को, 12 वावल्स को। 12 वावल में से 6 लाइट वावल है और 6 लॉन्ग है। लाइट क्यों है, लॉन्ग क्यों है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड साउंड पर बेस करती है, इसी वजह से बस साउंड ऐसे होंगे जो लाइट होंगे तो उसको हम लाइट वावल से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ लॉन्ग से। और नेक्स्ट है कन्वर्जन फार्मूला। क्या आपने इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में कन्वर्जन कैसे करनी है? आपको पता है कि इंग्लिश में लेटर्स प्लस वावल्स ये एक वर्ड बनाता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक वर्ड है एप्पल, तो एप्पल में पहला करेक्टर है, पहला लेटर है वावल ए, तो ए प्लस डबल पी एल ई, बाकी जो डबल पी एल ई है ये लेटर्स है, तो ये दोनों मिला के एक वर्ड बनाती है। इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट या स्ट्रोक प्लस वावल्स ये एक आउटलाइन बनाता है। तो कन्वर्जन आपने कैसी करनी है, इंग्लिश के लेटर्स को आपने स्ट्रोक में लिखना है, प्लस वावल्स को वावल में लिखना है और वर्ड्स को हम आउटलाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम वन बाय वन सीखेंगे। अब बुक से स्टार्ट करेंगे तो बुक में आप चेक कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 या क्लास नंबर 1 द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, और इसको हम डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक भी कहते हैं। 24 कॉन्सोनेंट है, 12 वावल्स है एंड 4 दीप्तांग है। इसको हम वन बाय वन चेक करेंगे। कॉन्सोनेंट में से जो पहले 6 कॉन्सोनेंट है वो है पी बी टी डी चे एंड जे। इसको आपने प्रोनाउंस कैसे करना है, पी बी टी डी चे एंड जे, और इसके कन्वर्जन के बारे में हम सीखेंगे। तो अब यहां पे आप चेक कर सकते हैं दी फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट, जिसको हम डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक भी कहते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे और स्ट्रेट स्ट्रोक है, मतलब सीधा लिखेंगे। इसमें 6 कॉन्सोनेंट है, पी बी टी डी एंड चे जे, और इसको मैंने ग्रुप में कंबाइन किया हुआ है। पी बी ए ग्रुप में डाला है, टी डी को दूसरे ग्रुप में एंड चे जे को तीसरे ग्रुप में। पी बी ए ग्रुप में इस वजह से डाला है क्योंकि पी बी को हम 60 एंगल पर लिखेंगे, टी डी को 90 एंगल पर लिखेंगे एंड चे जे को 120 एंगल पर लिखेंगे। और एक स्ट्रोक की जो साइज है वो 1/4, मतलब 1 इंच का चौथा हिस्सा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब बात आती है पी बी का, इसमें लाइट और लॉन्ग स्ट्रोक की, तो इसमें लाइट कौन सा है और लॉन्ग कौन सा है। पी पी शॉर्ट हैंड साउंड पर बेस करती है, तो आपने साउंड से प्रोनाउंसिएशन से इसको चेक करना है। पी तो पी आप चेक कर सकते हैं कि पी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिप्स से होती है, लिप्स से, इस वजह से ये लाइट स्ट्रोक है। नेक्स्ट बी, बी की प्रोनाउंसिएशन गले से होती है, तो उस वजह से ये एक लॉन्ग स्ट्रोक है। पी लाइट है, बी डार्क यानी लॉन्ग। टी टी लिप्स से प्रोनाउंसिएशन है इसकी, तो ये लाइट स्ट्रोक है। एंड डी डी गले से इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये डार्क यानी लॉन्ग स्ट्रोक है। चे 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 लाइट स्ट्रोक है एंड जे डार्क स्ट्रोक है। लाइट स्ट्रोक को आपने कैसे लिखनी है, तो पी बी को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे 60 एंगल पर, और ये जो है ना डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है, सेम साइज होगा इसका 1/4 इंच। तो पी को हमने कैसे लिखनी है, पी के लिए आपने यहां पे 60 एंगल पे आना है और यहां पे ये हो गया पी, ठीक है, लाइट स्ट्रोक है। और अगर आपने बी लिखना है तो सेम साइज सेम डायरेक्शन आपने डार्क स्ट्रोक लिखना है, ठीक है। एक हो गया लाइट स्ट्रोक और दूसरा हो गया डार्क स्ट्रोक। लाइट स्ट्रोक लाइट साउंड की वजह से, डार्क स्ट्रोक लॉन्ग साउंड की वजह से। और नेक्स्ट है टी डी, तो टी लाइट है और डी डार्क है, और इन दोनों को हम 90 एंगल पर रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रोक है। पहले लाइट स्ट्रोक को लिखेंगे टी को, तो टी को हम ऐसा लिखेंगे 90 एंगल पर, बिल्कुल सीधा आपने पेंसिल से लिखना है, कभी भी आपने पेन का इस्तेमाल नहीं करना। और नेक्स्ट है डी, तो डी को हम डार्क लिखेंगे, ये हो गया डी, सेम एंगल पे और सेम डायरेक्शन पे। नेक्स्ट है चे एंड जे, तो चे लाइट स्ट्रोक है एंड जे डार्क स्ट्रोक है, चे चे एंड नेक्स्ट डार्क स्ट्रोक है जे का जे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 6 कॉन्सोनेंट है इसको हम 60 एंगल, 90 एंगल और 120 एंगल पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक स्ट्रोक को लाइट लिखेंगे, दूसरे को डार्क लिखेंगे। लाइट स्ट्रोक पी के लिए है 60 एंगल पर और बी के लिए डार्क है। टी डी का
जो है ना 90 एंगल पर टी लाइट के लिए और डी डार्क के लिए, 6 जे 120 पर 6 लाइट के लिए और जे डार्क के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले 6 कंसोनेंट को पढ़े, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट ग्रुप जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।